सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली की सरकार में मंत्री हैं, हाल ही में मंत्री बनाए गए, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बीच। सौरभ जी आवाज आ रही है आप तक? जी सौरभ जी, ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये जो अध्यादेश लाया है उसमें कमेटी बनेगी और कमेटी में अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं होंगे फैसले लेने वाले। सरकार ये कह रही है अध्यादेश के एवज में कि क्यों लाया गया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन अफसर हेल्थ सेक्रेटरी रहेगा, कौन होम सेक्रेटरी रहेगा, ये और योगी आदित्यनाथ तय करते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान तय करते हैं, हरियाणा के अंदर खट्टर साहब तय करते हैं और केंद्र सरकार के अंदर प्रधानमंत्री जी तय करते हैं। अब मैं ये कहूँ कि प्रधानमंत्री जी के साथ तीन लोगों की कमेटी बना दीजिए और वो कमेटी फैसले लेगी, ऐसा तो नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता। अब बात आती है कि क्या संविधान के अंदर इस तरीके का है, जो भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों से कहती रही है। हमने एक दशक लंबी लड़ाई लड़ी है, लगभग 2015 में केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा देके एक कानून बनाया, एक ऑर्डर लेके आए, जिससे कि सारी की सारी जो ताकतें हैं। नहीं, ये कहा गया है अध्यादेश में सौरभ जी कि अगर कमेटी के निर्णय में कोई विवाद होता है, जिसमें अरविंद केजरीवाल होंगे जो सीएम है दिल्ली के, इसमें मुख्य सचिव होंगे दिल्ली के, प्रमुख गृह सचिव होंगे, अगर इसमें कोई विवाद होता है तो फिर एलजी के पास ये हक होगा आखिरी फैसला लेने का। तो अगर विवाद ही नहीं होगा तो फिर क्या दिक्कत होगी? तो दिक्कतें क्यों हो रही हैं? नहीं, ये तो नहीं, दिक्कतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि दिक्कतें पैदा करने के लिए केंद्र ने अध्यादेश बनाया है। चीफ सेक्रेटरी केंद्र लगाता है, होम सेक्रेटरी केंद्र लगाता है, वो दो लोग कमेटी के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब के साथ होंगे। तो पहली बात तो चीफ मिनिस्टर पहले ही माइनॉरिटी में है, वहाँ पे मेजॉरिटी में दो लोग हैं, जो लोग केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए हैं तो वो तय करेंगे कि किसको लगाना है। और मान लीजिए अगर कोई तय हो भी गया तो एलजी को दिया गया कि उनके पास फाइनल पावर है। लेकिन सौरभ जी, सवाल ये है, आप ये देखिए, आप तुलना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, आप तुलना कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, लेकिन उन दोनों राज्यों से कैसे तुलना कर सकते हैं? दिल्ली केंद्र सरकार के अधीन राज्य है, पूर्ण राज्य का इसको दर्जा नहीं मिला हुआ है और ये व्यवस्था ऐसा नहीं है कि पहली बार ये व्यवस्था बनी है। आपसे पहले भी दिल्ली में सरकारें हुआ करती थी और वहां पर केंद्र में अपोजिशन हुआ करता था, तब भी यही व्यवस्था चलती थी, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। आपको ही समस्या क्यों, आपको ही प्रॉब्लम क्यों आ रही है, सवाल ये खड़े हो रहे हैं। ये जो आपका तर्क है ये हूबहू वही तर्क है जो केंद्र सरकार के वकील 2015 से 2018 तक सुप्रीम कोर्ट में देते रहे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये कुतर्क है। और उसके बाद ये 2023 तक भी यही कुतर्क जो है केंद्र सरकार के वकील खड़े होके सुप्रीम कोर्ट के सामने देते रहे। अब मैं समझता हूँ मैं हूँ या आप हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ज़्यादा तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को नहीं समझ सकेंगे। ये कुतर्क हैं, ये आप और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम में कुतर्कों को इतना बल दिया जाता है कि लोगों को ऐसा लगने लगता है कि कुतर्क ही असली जो है संविधान की विवेचना है। मगर असलियत ये है कि कोई अब ये जल्दी से बता दीजिए आगे क्या करेंगे, आप आगे क्या करेंगे सौरभ जी, समय थोड़ा कम है, आगे क्या करेंगे, अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी? देखिए मैं तो ये कह सकता हूँ कि बच्चे जब क्रिकेट मैच खेलते थे ना, तो कोई बच्चा अगर पहली बॉल पे आउट हो जाता है तो कहता नहीं ये तो मेरे पापा ने दी है मुझे विकेट और ये बैट और बॉल, मैं नहीं खेल रहा, गेम खत्म, मैं घर जा रहा हूँ। तो केंद्र सरकार ने इस तरीके की नीयत से जो है छोटापन, मतलब एक छल कपट के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट को और भारत के संविधान को धोखा दिया है, जो कि इतिहास में बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ जी बातचीत करने के लिए और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे।